हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर थर्ड का 2019 के अनुसार और 2020 के अनुसार पेपर सेकंड का अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र में आज हम 3 मार्कर पढ़ेंगे। जितने भी पेपर में 3 मार्कर बन सकते हैं, पेपर फर्स्ट से लेके पेपर फिफ्थ तक, वो मैं आपको वीडियो में आके कवर करा दूँगी। तो आप बस वीडियो देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ला पाऊँगी और आप तक ज़्यादा आंसर्स पहुँच पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। और पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो 3 मार्कर हैं और 3 मार्कर प्रश्न पढ़ेंगे हम। करीब 10-11 समथिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपने अगर मेरे नोट्स लिए हैं तो आपको ये वही मिल जाएगा नोट्स में। अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तो इकोनॉमिक्स की नोट्स की प्राइस 210 रुपये है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये नोट्स तो मिलेंगे ही, इसमें 200+ पेजेस हैं। और साथ में आपको एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलेगा इसी के साथ, जिसमें आपको एग्ज़ाम तक और भी आंसर फ्रेमिंग दी जाती रहेगी। जो अर्थशास्त्र के कोई करंट टॉपिक बनते हैं, जैसे कि कोई जैसे कि GST वाला टॉपिक है, या कोई मुद्रा में परिवर्तन वाला टॉपिक है, या कोई करंट का इशू है, राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई भी करंट इशू है, तो वो आपको उस ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में वही लोग हैं जिन्होंने नोट्स परचेस किए हैं, तो आप चाहें तो नोट्स परचेस कर सकते हैं। इनकी प्राइस 210 रुपये है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, PPP की चुनौतियाँ क्या है। तो ये क्या होता है, ये शहरी क्षेत्रों को लाभ पहुँचाता है, पब्लिक प्राइवेट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मॉडल है ये केवल शहरी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है। तो शहरी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाता है तो लोगों का जो प्रवसन रहता है वो प्रवसन शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है, क्योंकि लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो इसकी पहली चुनौती यही है कि इससे शहरी क्षेत्रों में लाभ मिलता है। अब जब शहरी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानताएं बढ़ेंगी, तो इसलिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रामीण विभेद बढ़ता है। सार्वजनिक जो जितने भी साधन हैं इसको यूज़ करने से सार्वजनिक साधनों का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। कानून व्यवस्था का खतरा हमेशा इसमें बढ़ता रहता है। तो इसकी चुनौतियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, शहरी क्षेत्रों को लाभ मिलता है, ग्रामीण विभेद बढ़ता है, सार्वजनिक साधनों का दुरुपयोग होता है, और कानून व्यवस्था का खतरा रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारतमाला परियोजना। तो हम भारतमाला परियोजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना है। क्या है ये भारतमाला परियोजना, क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, अतः यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत 51,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, दूसरा इसके तहत 51,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, और नंबर 3 है, सीमावर्ती और तटीय राज्यों में भी यह निर्माण होगा। और ये इसलिए जो राजमार्ग है इनका निर्माण कहाँ होगा, इनका निर्माण सीमावर्ती और तटीय राज्यों में होगा। पहला है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, दूसरा है इसके तहत 51,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, नंबर 3 है, सीमावर्ती और तटीय राज्यों में भी यह निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश से आप क्या समझते हैं। एक अलग ही अर्थशास्त्र में एक अलग ही सिलेबस में टॉपिक दिया गया है विनिवेश, तो इस विनिवेश से आप क्या समझते हैं। तो सरकार द्वारा लोक उपक्रमों में से अपनी अंशधारिता को बेचना। सरकार के पास जो भी उपक्रम होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, यदि वो सरकार अपने सार्वजनिक उपक्रम उसको किसी कारणवश तो किसी को बेचना पड़ता है, अपनी अंशधारिता को निजी क्षेत्र में बेचना पड़ता है, तो वो जो अंशधारिता है वो विनिवेश कहलाती है। तो विनिवेश क्या होगा,
सरकार द्वारा लोक उपक्रमों में से अपनी अंशधारिता को बेचना विनिवेश कहलाता है। याद रखिएगा, सरकार द्वारा लोक उपक्रमों में से अपनी अंशधारिता को बेचना विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल फीता शाही, इसका तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में आपने सुनते रहते होंगे लाल फीता शाही। तो क्या है लाल फीता शाही क्या है? तो प्रशासनिक कामकाजों में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई देरी। यदि आप कोई प्रशासनिक व्यवस्था में हैं और जानबूझकर उसमें देरी होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जानबूझकर की गई जो देरी है वो लाल फीताशाही कहलाती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि सरकार द्वारा ज़्यादा नियम बना दिए जाते हैं। तो प्रशासनिक कामकाजों में अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई देरी लाल फीताशाही के अंतर्गत आती है, ये ज़्यादा नियमों की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र में विस्थापन क्या है? तो जब सरकार किसी स्थान विशेष के लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करती है। क्या? जब सरकार किसी स्थान विशेष के लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करती है तो इस प्रकार का प्रवसन विस्थापन कहलाता है। जब सरकार किसी स्थान विशेष के लोगों को दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करती है तो इस प्रकार का प्रवसन विस्थापन कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वो जाना किसके कारण? सरकार के कारण जाना या सरकार के कहने पे जाना, तो ये इस प्रकार का जो प्रवसन है वो विस्थापन कहलाता है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ान पर टिप्पणी लिखो। उड़ान पर टिप्पणी लिखो, उड़ान का मतलब है UDAN, इसका फुल फॉर्म होगा उड़े देश का आम नागरिक। यू से हो जाएगा उड़े, डी से हो जाएगा देश, और ए से हो जाएगा आम, और एन से हो जाएगा नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, इसके पे हम क्या लिख, पहले हमने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, अब हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट जिसमें क्या होगा, 500 किलोमीटर या एक घंटे तक की हवाई यात्रा का किराया 2500 रुपये इसमें होगा। क्या होगा? 500 किलोमीटर या एक घंटे तक की हवाई यात्रा का किराया 2500 रुपये होगा। 27 अप्रैल 2017 से ये लागू होगा। आम जनता तक वायु परिवहन की सुविधा पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या? आम जनता तक इसकी सुविधा पहुंचाना, वायु परिवहन की सुविधा पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपका उड़ान पे हो गया। क्या? उड़े देश का आम नागरिक, 500 किलोमीटर या एक घंटे तक की हवाई यात्रा का किराया 2500 रुपये, 27 अप्रैल 2017 से ये लागू है। आम जनता तक वायु परिवहन की सुविधा पहुंचाना इसका उद्देश्य। नेक्स्ट योजना है सभी के लिए आवास योजना। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप अगर ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हैंड रिटन नोट्स ही रहेगा आपके लिए, तो ये इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सभी के लिए आवास योजना, सबसे पहले ये 2022 तक इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक सभी के लिए आवास के, तो ये योजना जो प्रारंभ हो गई थी 2020 तक सभी के लिए आवास के लिए आरंभ की गई थी। कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्वयं के आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी। तो 2022 तक सभी के आवास के लिए प्रारंभ की गई, इसमें कमज़ोर वर्ग के लोगों को स्वयं के आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो इसमें हम पॉइंट लिख लेंगे तीन। इन्हें प्रथम टीचर सड़कें भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को क्या कहा जाता है? इन्हें प्रथम टीचर सड़कें भी कहा जाता है। ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नंबर तीन, इनका निर्माण NHAI द्वारा हुआ किया जाता है। इनका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो कुल सड़क, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये कुल सड़कों का 2% होता है। तो इन्हें प्रथम टीचर सड़कें भी कहा जाता है, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्माण NHAI द्वारा होता है, कुल सड़कों का ये 2% होते हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अधोसंरचना की अर्थव्यवस्था में भूमिका बताओ, कि अधोसंरचना का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, हम ये लिखेंगे। तो ये जो जो प्रभाव पड़ा हम वो लिख देंगे।
सबसे पहले इस अधोसंरचना का क्या महत्व होता है, अगर ये बढ़ते हैं तो जैसे मूलभूत अधोसंरचना मतलब जो मूलभूत चीज़ें होती हैं जल भूमि मृदा खाद्यान्न, तो ये सभी चीज़ें अधोसंरचना होती हैं जो किसी भी देश को बनाने में मदद करती हैं। तो इसके द्वारा सब अगर ये अधोसंरचना से बोल रहे हैं कि अधोसंरचना अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, तो अधोसंरचना के कारण ही उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार में सृजन होता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रीय विकास होता है, आर्थिक विकास का ये साधन है, GDP में वृद्धि होती है, व्यापार के आकार में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता का विकास होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात में कमी होती है, मानव विकास में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने देश से जुड़ जाता है। तो ये अधोसंरचना की अर्थ जल विद्युत ये सभी चीज़ें अधोसंरचना में आती हैं। और अगर अधोसंरचना अच्छी वृद्धि करती है पर्याप्त मिलती है तो अर्थव्यवस्था में ये इस प्रकार से जो जितने पॉइंट मैंने लिखे हैं तो इस प्रकार से ये मुख्य भूमिका अधोसंरचना में निभाती हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरे नोट्स, आप इनको प्राइस परचेस कर सकते हैं, इनके आगे इनकी प्राइस लिखी हुई है। और अगर आप ये सब जैसे कि एथिक्स है उसके साथ आपको 50 केस स्टडी की PDF मिलेगी जिसमें 250 से 300 केस स्टडी रहेगा, ऐसे हिंदी में आपको पूरे प्रारूप लेखन पूरा 3 मार्कर सभी मिलेगा और साथ में आपको इस पैकेज के साथ 3 से 4 निबंध मिलते हैं जिसे आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही थे मेरे आज के क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं अभी शाम में आपके लिए लेके आती हूँ, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।